हैं नरुश्रम के पास, जहां बाहर का माहौल आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। एक और जहां कई सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं भाजपा पिछड़ रही है। कुछ सीटों पर भाजपा आगे है तो कांग्रेस पिछड़ रही है, लेकिन इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपना आक्रोश या माहौल या उत्साह किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद हैं और झंडे बैनर लेकर ये इस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इन कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार इन्हीं ही बनने वाली है, जिसे लेकर ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी ही पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान इसी के ठीक पीछे वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता खड़े थे जो अपने झंडे डंडे बैनर लेके खड़े थे, उन लोगों ने भी जब इनकी ओर कहा तो ये दोनों का माहौल थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगा कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। हालांकि पुलिस ने भाजपाइयों को दूसरी तरफ कर दिया है और यहाँ पर टोटल कांग्रेसी मौजूद हैं। बहरहाल ये खाली उत्साहपूर्ण माहौल में नारेबाजी कर रहे हैं और अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इनका यह उत्साह कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई शांति भंग ना कर दे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं। बैरिकेड्स के बाहर ये लोग भले नारेबाजी करें किंतु अंदर आने की इन्हें अनुमति नहीं है। यहाँ पर पूरे स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कहीं भी इस प्रकार का कोई लग नहीं रहा कि कोई अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बहरहाल ये तो नारेबाजी का और उत्साह का दौर है, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति नजर नहीं आती है। कैमरा पर्सन नीरज बोरासी के साथ राजेश पिपलोदिया, दोपहर न्यूज, इंदौर।